हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बच्चों के श्रेष्ठ भविष्य के लिए अच्छे संस्कारों का करें सिंचन। बेनीवाल, दो दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों के पहुंचे सीबीसी चेयरमैन व सदस्य, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि आज समाज की नींव बच्चों के संस्कारों पर टिकी है। ऐसे में बच्चों के श्रेष्ठ भविष्य के लिए बच्चों की शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों का सिंचन करना चाहिए। इसका जिम्मा माता पिता पर ज्यादा है। स्कूलों की शिक्षा में भी ऐसे मानवीय मूल्य अपनाए जाए जिससे यह साकार हो सके। वे आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान व ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान के तत्वाधान में ग्लोबल ऑडिटोरियम मन मोहिनी वन में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि यह पहली कार्यशाला है जिसमें अध्यात्म व मेडिटेशन को भी शामिल किया गया है, इसलिए हमें अपने जीवन को भी करीब से देखने का अवसर भी है। अपने जीवन में अच्छाई जब आएगी तब बच्चे भी यही सीखेंगे, इससे एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। पुलिस व बाल कल्याण समिति दोनों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ कार्य है जिससे मिलकर कार्य करने की जरूरत है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कई बार पुलिस को बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए बाल कल्याण समिति के पास जाना पड़ता है। ऐसे में यह सेमिनार निश्चित तौर पर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत्र बनेगा। ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान में जो मूल्य सिखाए जाते हैं यह कमेटी के सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने कहा कि आज हमें इसकी महती आवश्यकता है कि हम बच्चों को पहली पाठशाला यानी घर से ही मूल्यों के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता वो घर से ही सीखते हैं। बाल कल्याण विभाग के सदस्य सचिव महेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है जहां अपने आप ऊर्जा मिल रही है, ऐसे स्थान का पूरा फायदा लेना चाहिए। बाल कल्याण विभाग के क्षेत्रीय निदेशक पवन पुनिया व बाल कल्याण समिति नागौर के अध्यक्ष मनोहर सोनी ने भी विचार व्यक्त किए। ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी बीके कोमल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन बीके शिवांगी ने किया। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर होगी चर्चा। दो दिवसीय कार्यशाला में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य भाग ले रहे हैं, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास में आने वाली समस्याओं पर चर्चा और उसके निवारण के लिए प्रयास किए जाएंगे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए जयपुर बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, इन्होंने ये कहा, भगवान न करे तीसरी लहर यदि ना आती हो तो बहुत जल्द हम बच्चों को भी किस तरह से एकाग्रता, किस तरह से साधना कर कर अपने जीवन में, आजकल हम देख रहे हैं ऑनलाइन मोबाइल इन सब की तरफ बच्चों की जो शिक्षा के साथ साथ इसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसमें वापस बच्चों को सामान्य जीवन में लाने के लिए ये बहुत कारगर साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी। तो बाल आयोग अपना पूरा प्रयास करते हुए उन सभी बच्चों को योग से, साधना से, मेडिटेशन से जोड़ने के लिए यहाँ पर बच्चों के लिए भी अलग से शिविर लगाने का प्रयास करेगा। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।